तो चक नंबर 26 जो है वो अभी तो आए। अच्छा, और ये तो रिश्तेदार लग दन जी तो मैं निंदा तो की थी ऐसे ना बिना के आप थारी औलाद कोई नहीं। अब मम्मा की औलाद ही है भाई, हर चीज में बा ए जखम ना पर तो सुन रहा ने कल ही वे मैं कल ही ये को काट जो सारे को गई बदी ही ले ने काट छोड़े ने, मतलब औलाद ने इनको निकाल दिया है जी। अब ये घर अकेली रहती है जी, अकेली रह गई। वो बीमार रही थी कोठा गिर गया कोई दीवार में तो चलो दवाई छवाई गिदी थे। अम्मा जी मेरा आपको कैसे पता चल रहा है? अब मैं जैसे फिर भी रहता हूँ, मैं नहीं सभी। अच्छा, तेरी माँ की बेटी? हाँ, मेरी माँ खाला है। ये उसे आए पर ये थी माँ के जन बड़े पुत्र क्या है तो नहीं मरेगी मकेला बनेगी क्या पुत्र भेंग की चलने में दिए चुकले को जताई के वो कहता ओ मैं लेना नहीं चीले क्यों चीले तो अम्मा जी, अम्मा जी का जो घर है चक नंबर, अम्मा जी रो ना रो ना, अल्लाह खैर करे सी, परेशान न थी हम परेशान थे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, हमारे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं आपके साथ हैं, हम आपको जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की होंगी हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर लेकर देंगे। अम्मा जी यूँ समझ रहे कि मैं आपका बेटा हूँ, रोना नहीं अम्मा, रोना रोना आपका, अल्लाह पाक भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। अम्मा जी का घर चक नंबर 526 में है, जो यहाँ से मेरे ख्याल में 25-30 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो अम्मा जी किसी दूर के रिश्तेदार के साथ, भाई के साथ आई हैं, इन्होंने मेरा नाम सुना हुआ था तो यहाँ पे आई हैं, वहाँ पे घर में अकेली रहती हैं, कहती हैं कि मेरी औलाद भी मेरे साथ नहीं है। अम्मा जी अब हाली घर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सुबह 8:30 बजे मैं घर से बाहर था, अम्मा जी मेरे पास आई हैं और मुझे आके कहती हैं कि मैंने मुजम्मिल बेटा से मिलना है। तो मैं अम्मा जी को जैसे ही मैंने बताया कि मैं ही मुजम्मिल हूँ, अम्मा जी मेरे गले लग के रोती रहीं, आप सबने पहले देख लिया है। तो माँ जी को मैं अपने घर लेके आया था, अभी 3 का टाइम है, पूरा दिन हमारे जो माँ है हमारे घर रही हैं, खाना भी उन्होंने यहीं पे खाया है। तो जो अम्मा जी की जो बेसिक नीड्स का जो सामान था वो सारा मैं लेके आया हूँ, सामान अब आ चुका है। सबसे पहले हम माँ जी से थोड़ा सा पूछते हैं कि ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और किस तरह हम इसकी ज़िंदगी में, आप सब बहन भाई किस तरह इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या हाल है, ठीक ही वे? जी हाँ ठीक है। अम्मा जी आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? मेरे को कोई नहीं रहा था। अच्छा, मेरा 4 साल थी, कोई कैसा ही नहीं देगा। अम्मा जी के 3 बेटे हैं, जब से इनके हस्बैंड की 4 साल पहले डेथ हुई थी वो इनको छोड़ के चले गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम उम्मत मुसलमान को तौफीक अदा फरमाए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनका ख्याल रखें। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि अम्मा जी अकेली रहती हैं, बच्चों के होते हुए भी वालदैन जो अकेले होते हैं उनके ऊपर क्या कुछ गुजरता है। अल्लाह पाक सबको हिदायत दें। अम्मा जी से मैं पूछ के गया हूँ जो अम्मा जी की ज़रूरत का सामान था, जो अम्मा जी क्योंकि बुज़ुर्ग बंदे हैं, जो जो ये नरम खाना खाते हैं मैं अम्मा जी के लिए वही खुराक ले के आया हूँ ताकि अम्मा जी आसानी के साथ अपना ख्याल रख सकें। अम्मा जी का जो घर है वो गवर्नमेंट ने बना के दिया है, वहाँ अम्मा जी अकेली रहती हैं, कहती हैं कि जो हमारी 4 दीवारी है उसके ऊपर दरवाजे का बिल्कुल भी बंदोबस्त नहीं है। जब मैं आटा गूंद के रखती हूँ जानवर कुत्ते वगैरह आके हमारा घर का जो आटा होता है जो रोटियाँ होती हैं वो भी अक्सर खा के चले जाते हैं। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अम्मा जी के घर का विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह अम्मा जी जो हमारे बहन भाई देख रहे हैं आपके ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आपका जो दरवाजे का मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन बहन भाइयों की मदद से हम आपका कोई इस तरह अरेंजमेंट करें कि आपके घर का जो महीने का राशन है हम वो आपको हर महीने प्रोवाइड करते रहें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। कोई ना आवे मुताज रब ना करने तेरे मैंने ना तफी करे दे पाए।
अब देखें जिस औलाद ने अम्मा को घर से बाहर कर दिया है, अम्मा जी दुआ के टाइम उसी औलाद के लिए दुआ कर रही थी। ये हमारे लिए एक लेसन है कि जो वालदैन होते हैं वो हमेशा अपनी दुआओं में बच्चों को याद करते हैं। देखें इस हालत में भी अम्मा जी रो के अपनी औलाद के लिए दुआएं कर रही थी। सो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारी जो माँ जी की औलाद है, अल्लाह पाक उसको हिदायत दें कि वो अपनी अम्मा को अपनी जो जन्नत है उसको अपने घर लेके जाएं और अम्मा जी की खिदमत करें। अभी वैसे अम्मा के पास अल्हम्दुलिल्लाह घर है जहाँ पे वो रहती हैं, बट वो औलाद जो है वो छोड़ के अपनी वाइफ के साथ यहाँ से चले गए हैं। सो हम दुआ ही कर सकते हैं। दादी अम्मा अभी तसल्लियां दे रही हैं हमारी अम्मा जी को। अम्मा जी परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं, हम आपके बेटे हैं। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी इसका अजर दे कि आप हमारी माँ जी को घर से यहाँ तक लेके आई हैं, और जिस भाई ने अम्मा जी के लिए ये सब किया है अल्लाह पाक उनको भी इसका अजर दें। अल्लाह पाक उनकी भी पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, और वो हमारे व्यूअर जो हमारे साथ शाना बशाना हमारी इस छोटी सी कोशिश में हमारे साथ चल रही हैं, अल्लाह पाक सब के अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। وأكون للوطن الحبيب مشيدا قل ما إليه